हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपका स्वागत है अपने चैनल में टेक सोर्स में। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने लिनक्स में जो APT अपडेट करते हैं उसमें काफ़ी बार प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम क्यों आती है। आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये बताएं कि अपने APT को अपडेट करने के लिए हमें कौन सी कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल हमारा ओपन हो गया, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कमांड लगाते हैं। APT को अपडेट करने की कमांड है APT-get workspace update। तो हम ये कमांड रन करेंगे। सिंपली हमें प्रॉब्लम देखने को आती है क्योंकि फोल्डर लॉक है, परमिशन डिनाइड है। तो इस परमिशन डिनाइड का सोल्यूशन क्या है? ये तब अपडेट होते हैं जब आप सुपर यूज़र का यूज़ करते हो, तो उसके लिए कमांड है su हमने लगा दिया। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड भरेंगे सुपर यूज़र का। मैं यहाँ पे पासवर्ड भर देता हूँ और मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे देखना रूट आ गया।